अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं बिरयानी। बिरयानी के लिए हमें चाहिए पुदीना, प्याज, हरा धनिया, लेमन, हरी मिर्ची, टमाटर, लहसुन, अदरक। इन सब की हम कटिंग करेंगे और लहसुन अदरक को हम पीसेंगे, प्याज को चॉप करेंगे, हरी मिर्ची काटेंगे, टमाटर चॉप करेंगे। ये हमारे पास सारा सामान है बिरयानी का। आलू, चावल, हरा धनिया, पुदीना, अदरक लहसुन, लाल मिर्ची, दही, गरम मसाला, हरी मिर्ची, नींबू, टमाटर, ये चिकन पाउडर, अजीनोमोटो, चिकन, प्याज पकाने के लिए तेज़पत्ता, ये सारी चीज़ें हमारी बिरयानी की हैं। आलू को हम जर्दे के पानी के अंदर डालकर उबालेंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि थोड़े से आधे कच्चे और आधे पक्के हो जाएं। ये है पानी जो बॉईल हो रहा है आलू के लिए, इसके अंदर हम डालेंगे जर्दे का रंग। ये गया जर्दे का रंग। अब इसके अंदर हम आलू डालेंगे। जर्दे के रंग के अंदर हम आलू डालेंगे। ये आलू हम इसके अंदर आधे घंटे नहीं, 15 मिनट कम से कम पकाएंगे ना, तेज आंच पे ना, ताकि ये आधे गल जाए और आधे रह जाए। आधे फिर हम बिरयानी के अंदर जब डालेंगे तो ये जब गल जाएंगे। ये देखिए, ये हमारे आलू हाफ बॉइल हो गए, हाफ बॉइल। अब हाफ जो है इसे मसाले में बनाएंगे। इनको हम निकालेंगे प्लेट में इस तरह। ये हमारे आलू आधे कच्चे हैं और आधे उबल गए हैं, ये हमने उबाल लिए हैं, ये रेडी हो गए हमारे आलू। ये हमने चावल भी धोए धो के बिरयानी के, और अब हम इसका पानी बॉईल करेंगे गरम मसाला और नमक डाल के, जिसमें हमारे चावल बॉईल होंगे। ये हमारा पानी है जो चावलों के लिए बॉईल हो रहा है, जिसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला और नमक डाला है। इसमें मैं चावल बॉईल करूँगी बिरयानी के। ये चावल बॉईल हो रहे हैं बिरयानी के, तकरीबन ये बॉईल हो गए हैं। अब इनको मैं निकालूंगी, इनका पानी निकाल दूंगी, उसके बाद हम इसको पकाना शुरू करेंगे। बिरयानी का उसके लिए घी लिया है, घी गरम किया, उसके बाद नरम और हल्की सी ब्राउन हो गई है। अब हम इसके अंदर डालेंगे अदरक। इसके साथ ही डालेंगे चिकन। अब इस चिकन के साथ इसको 5-6 मिनट भूनेंगे। ये हमारी चिकन भून गई है। अब इसको भूनने के बाद हम इसके अंदर टमाटर और मिर्च डालेंगे।
थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, हम इन चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। जब ये भुनने वाली होंगी तो इसमें बॉइल आलू डालेंगे जो हमने जर्दे के रंग में उबाल कर रखे हैं। जब ये मसाला भुनने वाला होगा तो अभी भून लेंगे। ये आलू डाले हैं हमने इसके अंदर, अब इसको हम भून लेंगे। इसको भूनने के बाद हम फिर उबले हुए चावल इसमें डालेंगे। अब ये देखें आप, ये मसाला तैयार हो गया है ना, सारा मसाला भुन गया है। इसमें हम चावल डालेंगे। चावल उबले हुए जो हम इसके अंदर डालेंगे। बिरयानी, चिकन बिरयानी तैयार है। खाएं लजीज बिरयानी। उसके बाद मेरा पेज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ मेरा लिंक शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।